नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली यूपी 112 के प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार को एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता को यूपी 112 द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाओं जैसे पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला पीआरबी, नाइट स्कॉट, सवेरा योजना और एक पहल के बारे में जागरूक करना है। इस अभियान के तहत जिले में 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक कुल 27 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस नुक्कड़ नाटकों का आयोजन पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के मार्गदर्शन में और अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 लखनऊ के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। इस जागरूकता अभियान का शुभारम्भ थाना कोतवाली के कलेक्ट्रेट चौराहा चौकी सिविल लाइन से हुआ, जिसमें एएसपी नगर शैलेंद्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ सदर अनंत चंद्रशेखर और सीओ नगर गौरव शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम में निरीक्षक अभय राज मिश्रा, प्रभारी यूपी 112 आजमगढ़ और निरीक्षक शशि मौली पांडे, प्रभारी कोतवाली आजमगढ़ सहित अन्य अधिकारी और कर्मी भी मौजूद थे। ये मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत महिला और बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से 112 के तरफ से ये मिशन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक अलग अलग स्थानों पर, इसको 15 तारीख से 23 तारीख तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा और 27 स्थानों पर इनका करने का भी प्रोग्राम है। ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए सभी स्कूलों में भी हमारे कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर महिलाओं के संबंधित कानून के बारे में बताया जा रहा है, इनको साइबर क्राइम के बारे में बताया जा रहा है और इसके अलावा जो भी आपातकालीन सेवाएं हैं इनके बारे में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। हमारी एंटी रोमियो स्कॉट्स लगातार लगे हुए हैं और सभी हमारे जो आजकल मेले चल रहे हैं यहाँ पर हमारे प्राइवेट में भी महिला कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो कि हम कोई भी अगर मन चले इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। ये हमारे कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। सर, रात में महिलाओं के लिए ये हमारी जो गाड़ियां हैं जनपद में, ये 10 मिनट के अंदर सभी स्थानों पे आज के तारीख में पहुंच जाती हैं। हमारे पास 53 चार पहिया वाहन है और 16 दो पहिया वाहन जनपद में है और कहीं पर भी कॉल करने पर हमारी गाड़ी आज के तारीख में 10 मिनट के अंदर सभी स्थानों पर पहुँच जाती हैं। कहीं पर भी अगर महिलाओं या बच्चों को अगर लगे कहीं सुनसान स्थान पर हो या किसी भी तरह की अगर उनको मदद की आवश्यकता हो तो 112 डायल करें तो तत्काल हमारी आपात सेवा तुरंत वहां पे पहुंचकर इनकी मदद करेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।